किसान साथियों, फरवरी का जो महीना है वो चालू हो गया है और गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया है, और ऐसे में बहुत से किसान भाई सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं और अगेती सब्जी वर्गीय फसलें लगाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी फसल के बारे में जिसको लगाकर आप 1 एकड़ से 2 से 2.5 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कर सकते हैं और जिसके मंडी रेट जो है वो 70 से 80 रुपए केजी आपको मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफी अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, फरवरी का जो महीना होता है यह है सब्जी वर्गीय फसलों के लिए और अगेती सब्जी वर्गीय फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होता है। यदि हमने इस महीने में गर्मी के सीजन में जो सब्जियाँ पैदा होती हैं, तैयार होती हैं, उनको फरवरी के फर्स्ट वीक में लगा दिया तो निश्चित मानिए आपकी जो इनकम है वो बढ़ने वाली है। और हम आपको जो फसल बताने वाले हैं वो है भिंडी की फसल। यदि आप फरवरी के फर्स्ट वीक में 10 से 15 फरवरी तक आप भिंडी की रुपाई अपने खेतों में करेंगे, किसान साथियों भिंडी की फसल का जो उत्पादन है वो ज़्यादा आएगा और उसके जो मंडी रेट रहेंगे वो 70 से 80 रुपये केजी आपको मिलने वाले हैं। तो किसान साथियों, भिंडी की खेती के ऊपर हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं, टॉपिक टू टॉपिक की हमें भिंडी की खेती कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भिंडी की खेती करने के लिए समय का चयन हम कैसे करें। तो बुआई का जो समय है, जो सही समय है, वो है आप फरवरी के फर्स्ट वीक से सेकंड वीक तक। यदि आप फरवरी में भिंडी की रोपाई अपने खेतों में कर देते हैं तो भिंडी का जो उत्पादन है वो ज़्यादा आएगा और मंडी रेट भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा भिंडी की खेती के लिए मिट्टी का चयन। तो किसान साथियों, भिंडी की जो फसल है वो सभी तरह की मिट्टियों में अच्छा उत्पादन देती है और सभी तरह की मिट्टियां भिंडी की फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। काली मिट्टी हो, दोमट मिट्टी हो, चिकनी मिट्टी हो, बालू मिट्टी हो, सभी तरह की मिट्टियों में भिंडी की खेती अच्छे से की जा सकती है। तो आप किसी भी मिट्टी में भिंडी की जो फसल है उसको लगा सकते हैं। तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है खेत की तैयारी। तो किसान साथियों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमें खेत की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी होती है। यदि हम सही तरीके से खेत को तैयार करते हैं तो हमारी फसल का जो उत्पादन है वो पड़ोसी की फसल से ज़्यादा निकलता है, क्योंकि जब हम खेत अच्छे से तैयार कर लेते हैं। और खेत की तैयारी में हम बेसिक बात करें तो सबसे पहले तो हमें खेत की गहरी जुताई करानी होती है। आप एक बार पल्टी वाले प्लाऊ से खेत की गहरी जुताई करा दें, उसके बाद में हमें कल्टीवेटर चलवाना है जिससे कि खेत जो है वो सम हो जाए, और उसके बाद हमें अपने खेत पर रोटावेटर चलाना है जिससे कि खेत की मिट्टी जो है वो बारीक हो जाए, भुरभुरी हो जाए, और उस पर हम जब सीड सोबिंग करें तो जर्मिनेशन अच्छा हो और प्लांट्स अच्छे से चले। तो किसान साथियों, चौथा जो हमारा टॉपिक है वो है खाद प्रबंधन। यदि हम बात करें भिंडी की फसल के लिए खाद उर्वरक हमें कैसे देना होता है, तो किसान साथियों जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं और हम रेगुलर आपको प्राकृतिक खेती के बारे में बताते हैं, तो आपको खाद प्रबंधन में कंपोस्ट खाद लेना है 2 से 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आप कंपोस्ट खाद नहीं दे पा रहे हैं तो आप 50 केजी गोवर्धन खनिज खाद प्लस आप 1 क्विंटल जिप्सम, 1 क्विंटल रॉक फास्फेट और 1 क्विंटल प्रोम को मिलाकर अपने खेत पर फेंक दें, और फिर आप उसको रोटावेटर की सहायता से खेत में मिला दें। तो यह खाद प्रबंधन आपको अपनी फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए जरूर करना है। यदि आप यह खाद प्रबंधन अपने खेत पर करते हैं तो आपकी जो फसल है वो अच्छे से चलेगी, ग्रोथ अच्छी आएगी, कल्ले ज़्यादा निकलेंगे और फल ज़्यादा लगेंगे। पांचवा हमारा जो टॉपिक है वो है विधि का चयन। जब हम खेत तैयार कर लेते हैं, खाद प्रबंधन सही से कर लेते हैं, तो हमें सही विधि का चयन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि हम भिंडी की फसल वैज्ञानिक तरीके से और नई तकनीक से लगाते हैं तो उसका जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। तो किसान साथियों, विधि के चयन में यदि हम बात करें, प्राकृतिक खेती के बारे में बात करें, तो किसान साथियों यदि हम भिंडी की खेती कर रहे हैं तो आप बेड पद्धति से मेड़ बनाकर और ड्रिप एरीगेशन लगाकर भिंडी की खेती करते हैं तो आपकी जो फसल है वो काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि जब आप बेड लगाकर भिंडी की रुपाई करेंगे और उस पर आप ड्रिप बिछाकर पानी का जो सिस्टम है, सिंचाई की जो व्यवस्था है वो करेंगे, तो आपकी जो फसल है वो एकदम से ग्रोथ करेगी और कल्ले ज़्यादा आएंगे और पानी की जो पूर्ति होगी उससे भिंडी की फसल के जो फल हैं वो काफ़ी शाइनिंग वाले होंगे। तो हमें
बेड पद्धति से और ड्रिप लगाकर भिंडी की खेती करना है तो आप बेड से बेड की दूरी 2 फीट रखें और बेड की ऊंचाई आधा से 1 फीट रख सकते हैं और बेड की चौड़ाई हमें 2 से 2.5 फीट रखना है। तो किसान साथियों इस तरीके से हम बेड तैयार करें और उस पर हम बीज की रुपाई करें। अब बात करते हैं कि हमें बीज रुपाई से पहले क्या करना होता है और बीज चयन हम कैसे करें। तो किसान साथियों मार्केट में बहुत सी वैरायटियां अवेलेबल हैं। यदि हम किस्मों की बात करें तो एडवेंटा कंपनी की जो राधिका भिंडी आती है वो काफ़ी अच्छी वैरायटी है और काफ़ी अच्छा उत्पादन वो देती है, तो हम उस वैरायटी का चयन करें। और मार्केट में बहुत सी वैरायटियाँ अवेलेबल हैं, आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करें जो लोकल में अच्छे से बिक जाती हो, मार्केट रेट उसके अच्छे मिल जाते हों, तो आप उस वैरायटी का चयन करें। इस वैरायटी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो अच्छी हो तो आप वह वैरायटी अपने खेतों में लगाएं। अब बात करते हैं कि हमें बीज रुपाई से पहले क्या करना है। तो किसान साथियों जब हम बेड तैयार कर लेते हैं और ड्रिप की जो इनलाइन होती है वो हम बेडों पर बिछा देते हैं तो उसके बाद में हमें अपने खेत पर ऊर्जा जल चलाना है जिससे खेत की मिट्टी जो पॉजिटिव हो। ऊर्जा जल कैसे बनता है उसका डिटेल्स वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो आप वहां से जाके देखें। यह आप 400 से 500 लीटर एक एकड़ में चला दें। इसके बाद में आपको जीवाणु जल चलाना है जिससे खेत की मिट्टी में सभी तरह के माइक्रोब्स और सूक्ष्म बैक्टीरिया जीवाणु बढ़ें, जैसे कि राइजोबियम है, एजोडा बैक्टर है, PSB है, KMB है, ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, ऐसे बहुत से माइक्रोब्स जीवाणु जल में होते हैं, तो आप उसको चलाएं 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके बाद में आप ट्राइकोडर्मा फफूंद भक्षक जो होता है उसको चला दें और अन्य द्रव्य रसायन बनाकर तैयार रखें। इसके बाद जब हम यह सारी चीज़ें चला देते हैं तो हमें सीड सोविंग करना है। जब बेड़ों पर हल्की नमी रहे तो हमें सीड सोविंग करना है। यदि हम बात करें कि पौधे से पौधे की दूरी हमें क्या रखनी चाहिए, तो किसान साथियों बेड पद्धति से और ड्रिप लगाकर भिंडी की खेती करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखनी चाहिए जिससे कि पौधे को अच्छे सरफेस मिले और वह अपनी शाखाओं को निकाल पाए। और जब सूर्य प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है पौधे में तो शाखाएं ज़्यादा आती हैं, प्लांट्स में फल ज़्यादा लगते हैं, फूल ज़्यादा आते हैं और रोग बीमारियां जो होती हैं वो कम लगती हैं। तो हमें इस तरीके से भिंडी की खेती करनी है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें। खेती के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि भिंडी में जो रोग लगते हैं उनके नियंत्रण के लिए हमें क्या करें और ऑर्गेनिक में हमें कैसे भिंडी की खेती करनी चाहिए। हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और भिंडी की खेती के ऊपर और भिंडी की फसल में जो रोग आते हैं और पोषण प्रबंधन के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इस पर हम डिटेल्स वीडियो जरूर लाएंगे। वीडियो को लाइक करें, अधिक किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर करें और चैनल पर न हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।